सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य जो है वो सनातन, वो निरंतर, उसे आप बदल नहीं सकते। पढ़ने लिखने से भी आप ध्यान दे सकते, क्योंकि सत्य हमारे बुद्धि से परे अनंत। सत्य को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत से मुझे पूछे। तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सत्य का जानना यह आपका तरीका। लेकिन इस मानव स्थिति में आप सत्य को नहीं जानते, उसके लिए आप पैसा दें या किसी गुरु की सेवा करें, कुछ करें, इसका जाने इन चक्करों से सत्य मिलने वाला है। पढ़ने के किसी भी आडंबरों से सत्य नहीं। कारण क्या कि आपका अभी संबंध ही नहीं हुआ, अभी आपका परमात्मा से संबंध है, उनकी शक्ति से संबंध नहीं। आप जो भी करते हैं वो अपने एक खुशी के लिए कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मेल से नहीं हुआ तो इसका कोई उपयोग ही नहीं, बेकार है। हम जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे भी नहीं और इसका उपयोग ही खत्म हो जाए। इसी प्रकार अभी हमें परमेश्वर संबंधित होना चाहिए पहले, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आप क्या। मनुष्य सोचता बहुत, आपके यहाँ देखा मैंने हरिद्वार में आई थी, भगवान को खोजने वाले बहुत, कहीं भी जाइए हर जगह लोग भगवान को खोज रहे और दुनिया भर के उपास तपास ये वो प्रार्थना नमाज मंदिर मस्जिद सब, और किसी ने पाया नहीं। उसमें एक और भी बात कि जो कहते हैं कि आप इतने दिन तपस्या करो, इतने दिन सत्य बल पड़े हो, वो जानते ही नहीं है कि परमात्मा से संबंध इन सब चीजों से नहीं। अभी मैं शिकागो में थी तो हरे रामा हरे कृष्णा के जो मुख्य थे वो साहब आए, उससे मिले बड़ी सभा में। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम धोती क्यों पहने, तो पहले देखिए मेरे गुरु ने ये बताया कि अगर तुम धोती पहनोगे हमेशा तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो। अरे मैंने कहा इतनी ठंडी शिकागो में चल रही है, अच्छे भले तुम्हारे पैर जकड़ जाएंगे, काय को धोती पहनते हो। नहीं मेरे गुरु ने तो कहा वो तो सिद्धार्थ है, वो तो यहाँ आया नहीं। लेकिन तुम ये सोचो कि मेरे देश में 80% लोग धोती पहनते, वो क्या सब सब चले जाए सीधे? नहीं उनको गुरु ने नहीं रखा। एक बात दे तो मैंने कहा तुमने सारे बाल उड़ा लिए और बाल में ये बोधी चिपका ली है, ये किस, ये भी मेरे गुरु ने कहा कि तुम बाल उड़ा लो और उसमें बोधी चिपका के हरे रामा हरे कृष्णा गाते फिरो तो तुम परमात्मा को प्राप्त करो। इसमें कबीर ने बड़ा अच्छा कहा,
कबीर ने कहा कि जो मेरा होता है ये हर साल में 2 बार मुड़ाया जाता है, तो ये लोग जो मुड़ा मुड़ा के भगवान के पास जाना चाहते हैं उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। इसी प्रकार के अनेक अजीब अजीब तरह के लोगों ने तरीके निकाल लिए, और सबसे बड़ा तो तरीका ये निकाला है कि पैसा कैसा बना, आते जाते पैसा बना। आपके हरिद्वार में लोग बैठे हैं, करोड़ों रुपए है कि शादी के राम बैंक में जमा, करोड़ों। ये बेचारे सीधे साधे लोग परमात्मा को खोजने आए और इन्होंने उनकी जेबें खाली कर, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे और इनको कुछ नहीं हो। ये तो चोरों से भी बढ़ के चोर, बड़े दुष्ट लोग, इनको पता नहीं कैसे लोग गुरु मत थे। न तो इनके शक्ल में कोई रौनक, न ही इनके जीवन में कोई सादगी, न ही किसी प्रकार की निर्मलता आपको ही मिलेगी। और एक एक जगह में जाती हूं तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि लोग बेटियों पे बेटियां रखी सेवा करने के लिए चले जा रहे हैं, वहां पैसे पे पैसे डाल रहे हैं। अब वो जो साथ से जो बेटियां बना करके मर गए, एक तो मर गए, दूसरे बोलते नहीं, उसके सुनते 4 खंड हो गए, 4 नहीं 8 हो जाएंगे। जहां सत्य नहीं होता झगड़ा तो होना ही, पर मैं इसमें दोष जो है वो शिष्यों को देती। अभी आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड में एक इसी तरह का कल्ट पकड़ा गया, उसमें एक सांप अपना एक तरह का चोरों का हीरो बना रहे होंगे, उनके पीछे और सांप, उन्होंने सबको मार डाला, सारे गिरोह के 57 लोगों को मार डाला और उस आदमी को भी मार डाला जो उसको मदद करता, इसने सब उसको सिखाया, इसको ब्रेन कहते बिहाइंड द सीन। तो मुझे किसी ने पूछा बोगोटा में कोलंबिया में, तो मैंने उससे कहा कि उसको दोष मैं उस आदमी को नहीं दूंगी पर उसके शिष्यों को, क्योंकि टाइम मैगजीन में इस आदमी के बारे में पढ़ा, ये ड्रग स्मगल करता था और ये हथियार स्मगल करता था और रुपया लाउंडर करता था दलहन को, और इसको औरतों का बड़ा शौक, सर्वगुण संपन्न, कोई ऐसा गुण नहीं था जो उनमें नहीं था, और ये सब होते हुए भी लोग उसके अगर शिष्य हुए तो ये तो महामूर्ख है या उसी के जैसे। गुरु के लक्षण अपने सब शास्त्रों में लिखे, सबको मालूम होना चाहिए कि गुरु के लक्षण। पैसों से गुरुओं का क्या मतलब हो सकता, कोई उनमें करामत नहीं भी हो कुछ भी नहीं हो, पर सच्ची तो होना चाहिए जो औरतों के पीछे भागते हैं, ऐसे गुरुओं का क्या। बस पैसे बनाने के सिवा और ये कुछ नहीं करे तो भी मैं खुश हूं कि भाई पैसा बनाओ, आजकल सभी बनाते, पर ये तो आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, ये तांत्रिक है सारे। अभी वहां पर यमुनानगर में एक लड़की देखी, उस तांत्रिकों ने उसको अंधा बना दिया, आ गई बाद में उसको, अभी उसी रात सबके सामने, लेकिन आंखें खुली और उसके अंदर कोई ज्योत ही नहीं। ऐसे दुष्ट राक्षस लोगों को गुरु मानने वाले या तो महामूर्ख है, और अगर महामूर्ख नहीं है तो वो भी उन्हीं के जैसे। स्वच्छ निर्मल जिसका चरित्र हो, जिसके हृदय में
प्रेम और अनुकंपा से तेरा खुश रहो। जिसको तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी पोजीशन से कोई मतलब, और जो साक्षात शांति स्वरूप, ऐसे ही को गुरु माना। ये आपस में कभी एक दूसरे की बुराई नहीं बताए, क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई, और आप इधर से उधर दौड़ रहे। मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि देहरादून के इलाके में और हरिद्वार के इलाके में, यहाँ बड़े लोग ऐसे बैठे, अभी भी बैठे हुए हैं, उनको भय नहीं है। और पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको लूटे ले रहा है, और आप इतने भोले हैं कि परमात्मा को खोज रहे हैं। ये विशेष रूप से कलयुग महिमा कि इस समय में लोग परमात्मा को खोज। नल दमन के आख्यान में लिखा हुआ कि नल ने एक बार कली को पकड़ा और कहा कि तूने मेरे पत्नी से विछोह कर दिया, अब मैं तेरा सर्वनाश करता, इसको मैं छोड़ूंगा। तो कली ने कहा, भाई वैसे तो ठीक, तू मुझे मारा और मेरा भी होना जरूरी है, और मेरा क्या महात्म्य है वो सुन ले, उसके बाद तू मार डाल, खत्म कर। हाँ क्या है तेरा महात्म्य? तो उसने कहा कि जब मेरा राज्य आएगा तो सब लोग भ्रांति में जाए, तो समझ में नहीं आएगा सही क्या गलत क्या, समझ नहीं पा। लेकिन उसी वक्त जब घोर कलयुग आएगा, तभी उस वक्त सहज में लोग अपने कल्याण को प्राप्त करें। वो जो दरी कंदरों में आज परमात्मा को खोज रहे हैं, वो गृहस्थ बन के आएंगे और वो परमात्मा को प्राप्त करें। ऋग मुनि ने भी अपने नाड़ी ग्रंथ में बड़े सुंदरता से आजकल का समय का वर्णन किया, और उसमें कहा है कि ये समय ऐसा विशेष है कि सामूहिक तौर से लोगों की कुंडलिनी जागृत होकर के वो परम पद को प्राप्त करें। फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई, आप सबके अंदर ये कुंडलिनी है। कुरान में इसे असस कहते, और कुरान पढ़ता कौन है और समझता कौन है? ईसाई है, ये कोई ईसाई होने लायक है, क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो बहुत पहुंचे हुए ओंकार तत्व के तरफ, वो तो पानी पे चलते थे। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने मैथ्यूस के पांचवे अध्याय में साफ लिखा, ईसा मसीह के हिसाब से अगर आप किसी औरत के और दो बार नजर करें तो आपके आंख में गुनाह के आंख को निकाल कर देंगे, और अगर आपका हाथ किसी भी अनिति के कारण किसी के और बढ़ा तो आप उसको काटना। मैंने तो कोई हथकटा ईसाई सारे दुनिया में नहीं देखा, सारे धंधे करते हैं और ईसाई बन के घूमते हैं। इसमें कुछ सत्य, इसमें कोई अच्छाई? जब आप ईसाई होने लायक ही नहीं तो आप क्यों ईसाई बन गए? उसके बाद मोहम्मद साहब आए, वो भी बड़े पहुंचे, उनको क्या मालूम किन जानवरों से बात कर, उन्होंने तो उनको जहर भी पिलाया, बड़ा सताया बड़ा चला, अली को मार डाला, लड़कों को मार डाला। उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा ईसा मसीह ने सिर्फ आदमियों के लिए कहा तो हम चाहते हैं कि हम औरतों के लिए भी। तो उन्होंने कहा कोई औरत अगर गैर मर्द से और अपनी नजर डाले तो उसको जमीन में आधा गाड़ के पत्थर से मार। आप सोच,
अमेरिका तो सारी औरतें जमीन में गड़ जाएंगी। उन लोगों ने जो नियम बनाए थे फरिश्तों के लिए, योगियों के लिए, पहुंचे हुए लोगों के लिए, ना आप मुसलमान हो सकते हैं और ना ही आप ईसाई हो। अभी वो लियाकत ही नहीं आपको, पहले आप सहयोगी बने। सहयोग में आप जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या दोष है। और जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो सोचती हूँ, भगवान ये लोग कैसे कैसे ईसा मसीह के पीछे जा सकते हैं। और यहूदियों के लिए तो शरीयत उनके लिए बनाई थी, उन्होंने तो छोड़ दी मुसलमानों के लिए, तो ये कहाँ पहुंच सकते हैं? इतने धर्म के नियम ये कहाँ से पाल सकते हैं? आजकल का जमाना इतना खराब, इसमें ऐसे लोग बहक रहे हैं, इनके बस का नहीं है ऐसे भयंकर नियम बनाए। हिंदू धर्म में तो बहुत ही जबरदस्त है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो जात कहां से आई? तो देवी में लिखा है, देवी के बारे में, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण। जाति माने रुझान, एप्टीट्यूड, आपकी जाति क्या है। तो कोई कहेगा मेरी जाति ब्राह्मण और जाएगा दिल्ली में इलेक्शन लड़ाने। ब्राह्मण को इलेक्शन लड़ाने क्या अधिकार? आपको तो ब्रह्म को खोलना चाहिए। जिसका जो रुझान है उसके अनुसार उसकी जाति होती। जो ब्रह्म को खोज रहा है उसे ब्राह्मण कहना, और जो सत्ता को खोज रहा है उसे क्षत्रिय कहना, जो पैसे को खोज रहा है उसको बनिया कहना चाहिए या वैश्य कहना चाहिए, और जो आदमी शूद्र सेवाओं में ही मजा उसको अच्छा लगता है उसको क्षुद्र कहना। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो सभी क्षत्रिय हो गए कि सभी सत्ता चाहते हैं, सत्ता इलेक्शन। और ऐसे क्षत्रिय कि जिनमें कोई भी तत्व, कोई भी जान, पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसे अंदर से एकदम सूख गए। हम तो बहुत पुराने हैं, इसकी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ सहा है सारे खानदान, और देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलते ही एकदम उड़ गए लोग। और जो जो धंधे कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता कि ये अधर्म का अधर्म। इसी घोर कलयुग में ही सहयोग परंपरा, इसी घोर कलयुग में ये घटना घटित होने को। अगर इतना घोर कलयुग, इतनी काली रात्रि नहीं होती तो दिवाली जगने वाली नहीं। और इसीलिए आज अपने देश में भी हजारों लोग सहज हो जाए और सहज में आकर के समझ गए कि असलियत क्या है, हम क्या है, हमारा गौरव क्या है। सहज में आते ही आपके हाथ से आप देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, ये ठंडी हवा ये वही रूह है, वही परम चैतन्य है जिस शक्ति का आज तक वर्णन होता, यही परमात्मा के प्यार की शक्ति है जो आपके अंदर से बहने लग गई है और आप अपने हाथ में महसूस करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि आपके सर से ठंडी हवा आ रही है और आपकी कारिता उस सूक्ष्म शक्ति से। अब देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ जगह, कभी हम सोचते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं कि इतने सुंदर फूल जो यहाँ जग रहे हैं और सज रहे हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार। ये पृथ्वी ने हमें दे दिया, ले लिया, सजा लिया। किसी से पूछो डॉक्टर से कि तुम्हारा हृदय कौन चलाता है, तो वो कहेगा कि हमारी स्वयं चाली ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम चलाती। पर ये स्वयं कौन है? उसी की खोज। तो मैं जो कह रही हूं उस पर पूर्ण तरह से आप अंधविश्वास मत करें।
मैं जो कह रही हूँ वो अगर सिद्ध हुआ तो अगर आप ईमानदार हैं उसे आप मान्य करिए, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए और आपके सारे संसार के हित के लिए है। क्योंकि मानवीय दशा में हम अभी भ्रांति में ही बैठे हैं, तभी लड़ते रहते भगवान के नाम पे भी लड़ते। सोचिए हजारों लोग ऐसे भ्रांति में बैठे। बोस्निया से एक मुसलमान मेरे पास आया तो मैंने कहा अरे तुम क्यों लड़ मर रहे हो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तुम्हें जमीन से क्या। उसे कहा भाई ये बात कुरान में लिखा है। अच्छा कि अगर तुम अपने हक में, हक माने धर्म दीन में, दीन पर मरो और अगर तुम कब्र में चले जाओ तो 500 साल बाद भी जब कियामत आएगा तो तुम्हारी कब्र से लाश निकल आएगी। अच्छा मुसलमान तो मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब यही विश्वास करके कब्रें बनाते। बताइए 500 साल बाद उसमें क्या बचा रहेगा, उसमें से हड्डियां निकल आएगी। कुछ सोचना भी तो चाहिए, ये पता नहीं किससे लिख दिया। और उसके लिए वो मर रहे हैं वहां। असल में जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा बचती है और वही आत्मा फिर जन्म लेती है। और ऐसी आत्मा आज आत्माएं एक कहना चाहिए, अनेक अनेक इस संसार में आई है। जो गिरी कंदरों में परमात्मा को खोज रही थी वो आज यहाँ पर, और उनका अधिकार है कि वो इस परम पद को नानक साहब ने खुद कहा सहज समाधि लागो, सहज में ही लगनी चाहिए। लेकिन कौन मानता है, कौन समझता है, कोई उनको समझ नहीं पाता। कबीर ने कहा सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, तो सैया सोचते कोई बिलवेड़। अरे कबीर को क्या ही रोमांस करना, सैया माने प्राण, मेरे प्राण निकल गए मैं नहीं रोया। ये सब समझने के लिए भी सहज योग में ही आना पड़ेगा, नहीं न तो आप कुरान समझ सकते हैं, न तो आप बाइबल समझ सकते हैं और न ही आप ग्रंथ साहब समझ सकते। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा काम कर दिया। ग्रंथ साहब में सारे बड़े बड़े इतने भी पहुंचे हुए लोग थे, रियलाइज सोच से कहना चाहिए, उन सबकी कविताएं एकत्रित की। महाराष्ट्र से नामदेव आए, नामदेव को ही उन्होंने कहा कि चलो तुम पंजाबी में लिखो। अब वो तो मराठी थे, फिर पंजाबी सीखे, इतना बड़े पंजाबी में लिखा, इतनी बड़ी किताब। वो जमाना संतों का था और सब संतों को पहचानते थे, पर बाकी दुनिया तो कैसे समझ आऊं, सब जगह अंधा, कबीर ने। लेकिन अब ऐसी बात, अब सबके पास आंखें आने वाली, ज्ञान की आंखें। और ज्ञान क्या होता है, ज्ञान इसको हम समझते हैं वो नहीं। ज्ञान माने बोध, जिससे वेद शब्द निकला वो भी विद, ये सब का मतलब होता है कि आपके मज्जा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आप इस परमात्मा की शक्ति को महसूस करें, ये ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान का बता है और वही से ज्ञान आता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करें जो केवल सत्य। अगर हम केवल सत्य जानते, एब्सोल्यूट ट्रुथ डालते, तो क्यों एक दूसरे की गर्दनें काटते। अगर सभी लोग एक ही चीज को जानते तो कोई झगड़ा नहीं। मैंने बहुत बार सबको सहज के बारे में अनेक बार बताया और जो मैं कहती हूँ वो होके रहता। अभी लोग अनेक चमत्कार मुझे बता रहे, और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये होता है कि मनुष्य एकदम से परिवर्तित होकर शांति में आता है।
जब परमात्मा से ही संबंध हो गया तब तो फिर और किस चीज की जरूरत है, और क्या चाहिए? वो देने वाले बैठे हैं, आप लेने वाले बैठे, यही घटित होना है। लेकिन इसके लिए आप रुपया पैसा देते हैं, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। क्या परमात्मा को रुपया पैसा समझ में आता है कि उसे बैंक समझ में आती है? अरे वो तो कुछ जानता ही नहीं है, सब तमाशे तो हमने कर रखे। पूर्णतया आप इसमें शांति प्राप्त करते, कारण विचारों के चक्र चल रहे हैं, या तो आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, पूरी समय सोचते रहते हैं, दिमाग इधर उधर घूमते रहता है। पर आज मैं कहूं कि आप वर्तमान में खड़े हो जाओ, इस वक्त तो आप नहीं, और असलियत तो वर्तमान, पिछला तो हो गया और आगे वाले का पता ही नहीं। तो इस भूत और भविष्य के बीच में जो आप घूम रहे हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती तो इन विचारों को ऐसे लंबा करके बीच में जगह बना देते, और उस बीच की जगह, उस बीच की जगह में जब आप रुक जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से चिंतित हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि। समाधि का मतलब है जहां हमारी बुद्धि समाधि उस वक्त पहली चीज होती है, निर्विचार समाधि। अब लोग कहते हैं कि ये करो होगी वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके अंदर स्वयं कुंडलिनी है, आपकी अपनी माँ है, और वो आपको पुनर्जन्म देने के लिए लाल आए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो जागरूक हो जाएगी। जैसे भी आप माँ के उदर में डालते हैं तो वो अंकुरित हो जाते, ऐसे सहज में ही ये घटित हो। और ये होने के बाद आप देखिए कि कुंडलिनी इन छह चक्रों में से गुजरती है। दुनिया भर की जितनी परेशानियां है वो सब अधिकतर मनुष्य के कारण है, और मनुष्य की सारी परेशानियां उसके चक्रों के कारण। अगर आपके चक्र ठीक हो गए तो आप तंदुरुस्ती तो अच्छी हो जाएगी कम से कम। मन और बुद्धि अहंकार आदि जो चीजें जो आप सोचते हैं आप है वो नहीं है, आप आत्मा स्वरूप, शुद्ध आत्मा स्वरूप है। क्योंकि आप कहते मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा मेरा काम, मैं कौन, वो आत्मा है। उस आत्मा को सोचना, उसको प्राप्त करना, ये पहला सत्य है। और दूसरा ये कि चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर लेना, ये दूसरा है। और ये शक्ति प्रेम का सागर, इसमें लड़ाई झगड़ा ये सब कर, पर वो समझने के लिए भी सुबुद्धि चाहिए। अब आप आश्चर्य करेंगे कि रशिया के जैसा देश, जहां पर भगवान का नाम तक लेना गुनाह था, वहां पर आपसे 10 गुना लोग आते हैं प्रोग्राम में हरे, और प्रोग्राम ही में ठीक हो जाते हैं, और प्रोग्राम में ही प्राप्त करते हैं, और फिर जम भी जाते हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? वो रशिया, उसको तो भगवान का नाम भी नहीं मान। ये वहां कैसे घटित हो रहा? क्योंकि उनके यहां ये जो हमारे यहां डेमोक्रेसी है ना, इसको मैं डेमोनोक्रेसी कहती हूं, क्या आदमी राक्षस हो गया। जब तक मनुष्य पार नहीं होता है उसके बस का नहीं कि वो स्वतंत्रता को समझे। जैसे ही स्वतंत्रता हमको लोगों को मिल गई तो पता नहीं कहां से ये घुसपैठ वाले लोग आ गए, इनको तो कभी सुना भी नहीं था, और हो गए मिनिस्टर फलाना ठिकाना, और बन गए यहाँ पर, ना इनके अंदर चरित्र, ना इनके अंदर कुछ।
क्योंकि स्वतंत्रता वो भी इस्तेमाल करने के पहले सहयोगी होना चाहिए। जब आपने योग को ही प्राप्त नहीं किया, जैसे एक पतंग है, वो जब तक किसी के हाथ में वो डोर है तब तक वो ठीक चल रही है, पर जैसे ही डोर छूट गई हाथ से, वो कहीं भी जाकर कर सकती है। यही बात कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी स्व का तंत्र जाने पर। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्व का तंत्र जानना पड़ेगा, स्व का स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जानना। अभी मैं जानता देखती यंत्र मंत्र तंत्र सब लिखे हुए हैं, सब मां चोर है, लोगों को भुलावा डालने के लिए। कहां के यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब भूत है, भूत राक्षस। इनका भी सबका गंगा जी उद्धार करेंगे मुझे मालूम। तो जो तंत्र माने मैकेनिज्म, स्व का तंत्र, स्व का मैकेनिज्म अगर आप जान ले, शिवाजी महाराज को दी देलाइसो, और उनकी वजह से उस जमाने में बहुत से संत साधु भी 16वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी पर कहा है, छठे अध्याय में उनके ज्ञानेश्वरी में, पर धर्म मार्तंडों ने ये कहा कि ये अध्याय निषिद्ध है, बेकार है, मत पढ़ो, खत्म। उसके बाद किसने नहीं कहा? 16वीं शताब्दी में रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण में कितना समय लगता है, उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, पर लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। उसमें तो कबीरदास जी ने कहा है, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, ईड़ा पिंगला। अबे कविताएं पढ़ाते हैं स्कूलों में बच्चों को, कबीर किसको मालूम है ईड़ा क्या, पिंगला क्या, सुख मन नाड़ी क्या? शून्य शिखर पर अनाद बाट, कितनी बातें मोहम्मद साहब ने कह दी, कितनी बातें इन लोगों ने कह दी, सब बेकार। क्योंकि जो असलियत है उसमें नहीं उतरना, तत्व नहीं उतरना, बेकार चीजों में दौड़ते रहे, उसका तत्व। और आपका तत्व है आपकी कुंडली, आपकी माँ जो आपके बारे में सब कुछ जानती, और लालायक आप कि दूसरा जन्म देने के लिए बहुत लालायक। और ये कलयुग की जरूरत थी सिर्फ, और इसीलिए इस कलयुग में ये कार्य जोरों में होना, इससे आपको शांति तो मिलती। लोग मुझे बताते हैं कि माँ हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं, हम तो दाल रोटी से रहते थे, आज करोड़ोंपति हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि भ्रांति में मनुष्य कमा भी नहीं सकता, उसमें भी भटक जाता। और ये शक्ति जो है ये तो आशीर्वादों का सागर, इतने चमत्कार लोग बताते हैं कि मैं तो कहती हूँ मैं उनको तो लिख भी नहीं सकती और मुझे याद भी नहीं, लेकिन मैं किसी का भी लिखना शुरू करो तो एक महीने में कहता मेरे सर तक पहुंच गए, अब मैं क्या, मैंने छोड़। ऐसा जमाना वाकई आ गया है कि आप सब इसे प्राप्त कर, पर एक बात जरूरी है कि थोड़े देर तो आपको लगेगा कि आप आनंद के सागर में डूब, लेकिन इन लोगों में और आप लोगों में एक अंतर, हिंदुस्तानी एक क्षण में पार हो जाए, हो जाता है, बड़े भाग्य से इस देश में पैदा होते हैं, ये तो जाहिर है। इन लोगों के लिए हाथ तोड़ने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत, पर एक बार ये लोग पार हो जाते हैं तो ऐसे जमते हैं, हजारों मील से आए आपके देश में और आते ही साथ ही जमीन को छूते हैं।
ऐसे योग भूमि में आप पैदा हो, लेकिन उसका उपयोग अभी किया है। सहयोगियों को चाहिए, खासकर हिंदुस्तान की सहयोग में अपने को बढ़ाए और इसके वृक्ष हो जाए, जिसे दुनिया देख के कहे कि अगर अध्यात्म में कोई देश है तो हिंदुस्तान। अभी मुझे एक साहब मिलने आए थे चाइना के, बहुत बड़े आदमी थे बेचारे, लेकिन इतने नम्र। तो मुझे कहने लगे कि माँ, जो कहते हैं चाइना में कि आध्यात्म का खजाना हिंदुस्तान में है, वो कौन सा खजाना? मैंने कहा वो खजाना तुम्हारे अंदर में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं ट्रेजर। मतलब बैठो वो पार हो गए। अच्छा, यही खजाना है। वो बुलाया उन्होंने हमें चाइना भी, अभी हमें तो कोई टाइम मिले तो जाए। लेकिन कहने की बात यह है कि आपके पास सारी सामग्री है, आप सबको जानते भी। एक तो ये गुरु घंटालों के पीछे घूमते हो और इतने ज्यादा कोई नहीं घूमता गुरु घंटालों जितने हम लोग घूमते, क्योंकि हम लोग है ना भारतीय तो धर्म के पीछे मरे जा रहे और अपना भला नहीं कर। भला इसमें है कि सहयोग में आज मैं तुमको जागरूक दे दे, उसके बाद इसमें जमना चाहिए। इसमें अगर जमिएगा नहीं तो बेकार है। अगर कोई अंकुर हो जाए बीज और वो जमे नहीं तो सब पेड़ कैसे देगा? अंदर से अपने अंदर ये प्रबल इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हम पार हो जाए। और उसके बाद दूसरा एक वचन होना चाहिए, हमें वचन देना चाहिए कि माँ, हम सहयोग में एक बड़े बड़े वृक्ष बन जाए। उसमें आपको पैसा देना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं करना, घर नहीं छोड़ना, द्वार नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, कोई बाह्य चीज नहीं, खाने पीने का भी झगड़ा नहीं है। जो चीज आपको सूट करती वो आप खाए, उसका भी एक तमाशा बनाए हुए हैं। वेजिटेरियनिज्म का तो इतना तमाशा बनाया है कि मैं खुद हैरान हूं कि किसी देहात में जैनियों ने एक ब्राह्मण को पकड़ के एक झोपड़ी में डाला कि जितने भी खटमल हैं वो उसको उसका खून चूस ले। ये उनके हिसाब से बड़ा भारी परमार हो गया, ये खटमलों को मैं देने वाली हूँ क्या रियलाइजेशन? क्या मुर्गियों को कि बकरियों को, किसको रियलाइजेशन देने वाली? अब जब कोई इंसान नहीं मिले तो शायद बेकार की चीजों में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने को पाकर आप जानिएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं। आपके हाथ में ये सब शक्ति आएंगी, आप लोगों को जागरूक करें, जागरूक करेंगे लोगों को, ठीक करेंगे अपने को, ठीक करेंगे और एक शांति के सागर में आप डूब जाएंगे सब लोग और आनंद की नदियां में बोते लगा। अभी यहाँ 65 देशों से लोग आए, 5 देशों से आए नहीं पर आए हैं 65। मुसलमान देशों में भी सहयोग चलता और ये सब लोग, मैंने इनको कभी लड़ते झगड़ते कुछ जैसे भी रखो, अब सबके अपने अपने बंगले हैं, घर हैं, मोटरे हैं, कहाँ भी रखो कहीं भी रखो, जैसे राखो तैसे ही, कोई शिकायत, बस आपसी मजा उठा रहे एक दूसरे का। इंसान कभी एक दूसरे का मजा उठा नहीं सकता, ना बाप बेटे का, ना बेटे बाप का, ना दोस्तों का, ना रिश्तेदारों का, बस
शराब पी करके झूमते हैं उसी को सोचते हैं बड़ा मजा होता है, पैसा लूटने में मजा होता। ये तो आनंद के लूटने की बात, ये जमाना आ गया और इसको आप मानिए और इसको आप स्वीकारिए। अब इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट ज्यादा नहीं, क्योंकि आप मेरे भारत देश के वासी, क्योंकि आपने यहां जन्म लिया, ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है और मान है। इसको सब देवी देवताएं सारे लोग मानते हैं और इसीलिए अनेक संत साधु जितने इस देश में हुए, किसी देश में हुए नहीं ऐसे, लेकिन इतने नहीं। और जितनों को यहाँ छला है, हमने सताया है, वो भी किसी देश में इतने नहीं सताए। बहरहाल जो भी है, आप किसी की मजाल है, किसी को कोई सताए, किसी योगी को कोई सता नहीं सकता, चल नहीं। सत्ययुग की शुरुआत हो गई और जितने ये दुष्ट बिलंदर बैठे सब के सब एक्सपोज हो जाए, सब के सब खुल जाए। आप देखिए सत्ययुग की शुरुआत, अब इसमें आपको समाना हो तो समाइए और नहीं समाना हो तो। लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, मेहरबानी से जिनकी इच्छा नहीं हो वो कृपया से, अगर कोई उद्दाम और कोई अपने को बड़े भारी अफलातून समझते वो भी कृपया चले, नम्रता पूर्वक ही है, शालीनता होनी चाहिए, नम्रता हो। ये पाने से और मूलवान चीज दुनिया में कोई नहीं। अब आपसे एक मां के प्यार की बात कहनी पड़ेगी। आप अपने को कोई भी किसी प्रकार का दोषी या पापी मत समझिए। ये सब लोग यही बताते कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे तो मैं क्या करूं, तो तुम काहे के लिए मेरे से पैसा ले रहे हो? जब पूर्व जन्म तुम्हारा अच्छा होता तो हम तुमको पार करा देते, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म खराब है इसलिए सब हम कुछ नहीं कर सकते और हमें पैसे भी दे दो तो शायद वो तुम्हारा पूर्व जन्म ठीक कर देंगे, लग गए लोग पैसे देने, उससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कोई दोष नहीं, मेरी नजर में मैं एक माँ हूं, माँ के लिए बच्चे में कोई दोष दिखाई, और आप कोई भगवान तो है नहीं जो दोष न कर, तो आप भगवान होते तो ठीक, अब भगवान नहीं इंसान, और इंसान गलती करता है और उसकी माफी करनी पड़े, क्योंकि ये जो परमात्मा की शक्ति ये क्षमा का सागर, ये क्षमा का सागर, और इसके क्षमा की शक्ति के आगे आपकी कोई भी गलतियां टिक नहीं सकती, सब कट हो जाए, और दूसरे जो हो गया तो हो गया, बीत गई सो बीत गई, अभी उसे क्यों अपने कंधे पे ले जा रहे हैं? जब ये चक्र है इसे पकड़ जाए लेफ्ट, और ये चक्र जब पकड़ जाता है तो आपको अनजाना की बीमारी हो सकती है, आपको दूसरी बीमारियां अनेक हैं, लेकिन खासकर स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी, तो काहे ऐसी बेकार की चीज यहां पाल रहे हैं, जो हो गई तो हो गई, आप कोई दोषी नहीं और आप कोई पापी नहीं, जो आपसे कहते हैं कि आप पापी हैं वही स्वयं पापी है और वही दोषी। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आपने क्या दोष हो सकता है? कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं कतई। और दूसरी बात यह,
आप अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ करके एक सार माफ, क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपके ये जो चक्र है आगे आगे पीछे में आपकी चैन में यू तंग देखो, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया माँ, मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाए। सबको माफ कर एक साल मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक साल दस किसी को याद मत करिए, बस एक साल का ये माँ मैंने सबको माफ कर। बड़ा अच्छा लगेगा, वो तो बहुत से घूम रहे हैं और आप अपने को ढूंढ रहे हैं। सब माँ फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, किसी बात की पैर में जब जूते पहने हो उसे उतार दी थोड़ी देर। पहली बार तो अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आगे आगे चले गए बाहर, किंतु सारे ऐसे वो जानते और समझदार। अच्छा अब दोनों हाथ मेरी ओर, प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स मी। और जो लोग कुर्सी पे बैठे दोनों पैर अलग कर लें, राइट लेफ्ट को अलग अलग कहते हैं, हिंदी में अलग कहते हैं, मैं अंग्रेजी में कहूं। अपना राइट हैंड मेरी ओर, और सर झुका के लेफ्ट हैंड से बालों पर देखें कि कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Nail bone area with your left hand and the right hand towards me. Bend your head, please. देखिए, शंका नहीं करने का, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के देखिए। अगर गर्म ठंडी हवा आ रही है इसका मतलब है आपने अपने को भी माफ नहीं किया होगा और हो सकता है दूसरों को माफ नहीं किया, तो वो करिए। ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे कैसे इतने जल्दी कैसे हो सकता है, हो ही सकता है, होता है और होएगा। आप लेफ्ट हैंड में जाओ, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। आप सर झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड, और राइट हैंड से देखिए कि सबसे ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see with your right hand if there's a hot or a cool breeze like vibration coming out of your fontanel bone area. If they are hot, please forgive yourself and others. अगर गर्म हवा आ रही तो आप दूसरों को भी क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें मन में। अब राइट हैंड मेरी ओर, फिर से एक बार आप और सर को झुका।
और झुका करके सर को और फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या। इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ऐसे कहा। तो प्लीज वॉच विथ योर लेफ्ट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर फॉन्टेनेल बोन एरिया, देयर इज अ हॉट और अ कोल्ड ब्रीज कमिंग आउट ऑफ योर फॉन्टेनेल बोन एरिया एंड पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी। हाथ चाहे जरा आगे पीछे घुमा के देखिए। आकाश और सर भी आकाश और इन तीन प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न तीन बार पूछे। पहला सवाल, माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा सवाल, ये क्या परम चैतन्य? तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आप तीन बार पूछे। प्लीज रेज योर हैंड टुवर्ड्स द स्काई एंड पुट योर हेड अप एंड आस्क क्वेश्चन थ्री टाइम्स आउट ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस आई टेल यू। Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the divine love? Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these questions, three times. Ab aap niche kar lijiye. Please put down your hand. Now, हाथ में अपनी उंगलियों में या सबसे ठंडी या गर्म हवा आ रही हो वो सब लोग हाथ ऊपर करें और दोस वर गेटिंग कूल ब्रीज इन बोथ द हैंड्स और ऑन योर फिंगर टिप्स आउट ऑफ ऑल्टरनेट बोन। प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज। सारे देहरादून में कमाल हो गए, अनंत आशीर्वाद है, सारे के सारे आप संत हो गए, बड़ा कमाल। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि सहयोग का कार्य आज अकेले घर में नहीं हो सकता, इसमें सामूहिक में आना जरूर, क्योंकि ये सामूहिक कार्य, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है और सामूहिक में आने से ही आपकी वृद्धि होगी और कोई इसका तरीका नहीं। हो सकता है एक दो आदमी अजीब सजीब आपको मिल जाए क्योंकि सबके लिए दरवाजा खुला है, पर सब लोग ठीक हो जाते, सब लोग ठीक हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। तो इसलिए कृपया आप लोग सामूहिकता में आए और अपने आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर कर लें और इसके कमाल देखें कि यही चित्त आप जहां डालिएगा वही कार्य करेगा, जहां आप बैठेंगे वही शांति फैलेगी। देखिए, सिर्फ 2 साल पहले हम पंजाब सिखों ने आके बहुत काम आप पंजाब में पैदा, अब एकदम शांत हो गया पंजाब। मेरी वजह से नहीं, ये सब संत लोग की है, इतने संत वहां पहुंच गए पंजाब शांत। ऐसे ही हर जगह शांति और आनंद का साम्राज्य आना चाहिए और हमें
एक बात की माफी मांगती, बहुत कम समय है, सारे हिंदुस्तान में मुझे दौड़ा रहे और अभी जाकर के ट्रेन पकड़ी मुझे। 3 दिन से रोज यही हो रहा है, सवेरे चंडीगढ़ पहुंचे, वहाँ प्रोग्राम हुआ, फिर वहां फिर यमुना नगर आए, वहां प्रोग्राम हुआ और रातों रात वहां से आए यहाँ भी प्रोग्राम। आप सबको अनंत आशीर्वाद है हमारा, अपनी इज्जत अपने आत्म साक्षात्कार की इज्जत करें और आप जानिएगा कि आप बहुत महान है, आप में बहुत गुण है, वो सारे के सारे शक्ति स्वरूप जागरूक हो जाएंगे और आप हैरान हो जाए कि ये मुझे मेरे अंदर गुण है, मैंने कहां से ये सब पाया, बड़ा आपको आश्चर्य हो। सो इसे आप सब प्राप्त करें, किसी किसी को नहीं भी हुआ होगा, किसी किसी को हवा नहीं मिली होगी, इस तरह से चले जाइए आप, 1 मिनट ठहर जाइए और क्या पर। सो जिन जिन को नहीं भी मिला वो भी प्राप्त कर लो। अब बहुत से लोग जो दूसरे गुरुओं को पालते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, मैं ये बात और नाराज हो जाता, मैं उनके अच्छे के लिए कह रही हूं कि ऐसे गुरुओं को मत पाल, इसमें कोई फायदा नहीं, और मैं ही हूं जो कह सकती हूँ, और तो कोई कहने वाला नहीं मुझे ऐसा। तो ऐसे लोगों की आप बात मत सुनिए, अपने अंदर की हृदय की बात सुने, और बड़े कमाल की बात है कि आप सब लोग आज पार हो गए, आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।